वेतन विसंगति सहित अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। धरने पर बैठे NHM संविदा कर्मियों ने मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। NHM संविदा कर्मियों ने कहा कि हमारी सभी मांगे जायज़ हैं, NHM पूरे देश में लागू है और कई प्रदेशों में हमारी मांगे मान ली गई हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। इस दौरान रैली में भारी संख्या में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सक, JSY से जुड़ी स्टाफ नर्स, NM और अन्य संविदा कर्मी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा, रहेंगे आजादी, उपेंद्र यादव, हमारी मांगे समान काम समान वेतन, आउटसोर्सिंग बंद हो जाए, RBSK का ऐप में सुधार हो या अथवा उसको बंद कर दिया जाए, आशा बहुओं को कम से कम 10,000 मानदेय दिया जाए और इस विभाग में कार्यरत रहे MPW उनको पुनः विभाग में समायोजित कर लिया जाए। जैसे कि CMO साहब ने कहा है कि नियुक्ति के समय इस तरह की कोई मांग नहीं थी। नहीं, कोई मांग नहीं थी, लेकिन इस विभाग के अंदर आज 10-12 साल से लोग कार्यरत हैं। जो मानव का जो क्रीम समय है 25 से 40 तक का, उसमें से 15 साल इस विभाग को दे दिया। अब उम्र निकलने के बाद, क्रीम समय निकलने के बाद, क्रीम समय जब इस विभाग को दे दिया, निकल गया, तो अब ये लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे, तो क्यों नहीं ये मांगे 5-6 जगह लागू हो गया है, आगे 5-6 जगह लागू। और इस तरह जो हमारी मांग है वो जायज मांग है, इसलिए कि हमारे ये NHM जो है पूरे देश में लागू है और कई प्रदेशों में मांगे मान ली गई हैं, समान काम समान वेतन दिया जा रहा है, HR पॉलिसी दिया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए। सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी, हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बने रहेंगे।